बात करा था मैं नहीं कर रही वो बोला भाई ना करा कंफर्म करके जाओ तो नंबर बंद है उसका सुहेल का करो के बने कब डाल दें न्यूज़ आप आज कल जी मेरा नाम सैयद अब्दुल्ला है पेपर में 25 तारीख को ऐड दे रहा था मैं सियासत पेपर में कि दुबई का फ्री लिखे हुआ था तो उसमें देखा कि जॉब का रिक्वायरमेंट है 2800 रुपये सैलरी इंडिया की रहेंगी बोल के बताए थे अच्छा तो मैं आके इनसे बात करा तो विक्रांत है सो वहाँ पर ऑफिस के मैनेजर थे विक्रांत से बात किया तो उन्होंने प्रोसेसिंग पूरा समझाया मेरे को कि भाई दुबई में हेल्पर पैकिंग का जॉब है बोल के बताए थे पैकिंग हेल्पर का जॉब किस में होता है ये मॉल में है बोल के बताए थे उन्होंने लोलो हाइपर मार्केट में तो इसका क्या है इसका डिटेल मुझे बताओ तो 5000 रुपये आपको देना पड़ेगा मेडिकल के लिए मेडिकल ऐसा मैं जब 4 बजे गया था जब मेरा मेडिकल करा दिया उन्होंने 4 बजे के टाइम पे मेडिकल कैसा होता बोल के पूछा था मतलब खाना खाया उन्हें कुछ नहीं होता था चलेगा बोल के बताए थे बोला ठीक है आप जानते बेहतर बोल के मैं अच्छा बोल के करा लिया मेडिकल मेडिकल के बाद सुबह में 12 बजे फ़ोन करके बोल रहे मेडिकल आपका ओके है मेडिकल ओके है आप ऐसे रिमेनिंग अमाउंट ले लेकर आओ 6500 रुपये बोला ये 6500 रुपये के लिए वो तो ये स्टैम्प के लिए फाइल को आगे बढ़ाने के लिए प्रोसेसिंग है वो हमारी फीस है वो हम लेते हैं बोल के बोले थे बोला ठीक है बोल के मैं ले आके 6500 रुपये दिया दिए बात से उन्होंने मेरे को रफ बिल बता के दिए रफ बिल बना के दिए मेरे को मैं बोला कि इसके ऊपर आपका ऑफिस का नहीं है वो तो ट्रेक मारने ना मस्त स्टैम्प है ना आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बोलकर बताए थे उन्होंने मेरे को पैसे दिया हूँ तो फिर ऐसा मेडिकल वगैरह हो गया आपका 11 या 12 को ऐसा आपका इमिग्रेशन पेपर आएगा आपको उसको साइन करके आपको आपका पासपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा एंडोर्समेंट के लिए बोलकर बताए थे मेरे को तो मैं ऐसा जब 11 को आया हुआ हूँ तो देखा ऑफिस ही बने उनका तो मेरे साथ बहुत जने हैं जिसके पैसे लिए हुए हैं पासपोर्ट इनके रखे हुए पास के पासपोर्ट रखे हुए 300 लोग आए हुए थे सुभाष से पढ़ने के अभी हम यहाँ पर सैफाबाद PS में आए हुए अलहमदिल्ला यहाँ से रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है अच्छे से कंप्लेंट हो रही है कि जल्द हम ये बताना चाह रहे हैं कि बाद लोग क्या है घर का पैसे घर में से कर्जा लेके लाए हुए किसी का लोन लेके लाए हुए किसी के सोना गोल्ड रख के लाए हुए वालदा का कोई गाड़ी बेच के ला मैं गाड़ी बेच के लाया हूँ पैसे और जो लोग हैं इनके भाई के तो पासपोर्ट ले हुआ है उन्हें पासपोर्ट उनके पास ही रखे हुआ है 150 लोग होंगे कम से कम 150 लोग होंगे ऐसे पासपोर्ट उसके पास ही रखे हुए 300 लोग आए हुए हम लोग पूरों की फेरिस बना के हम अंदर दिए हुए हैं इसके एक एक आदमी कितने पैसे दिया बाहर 11500 अलग अलग लिए हुए दिए हुए बस मैं ऐसा 11500 रुपये दिया हुआ हूँ भाई ऐसा 30000 रुपये दिए हुए भाई के साथ ही ग्रुप जो मिला के है 1.5 लाख का ग्रुप हो रहा भाई का मेरा 1,20,000 का ग्रुप हो रहा मेरे भाया मेरे बोलने से मेरे भाया भी आके लगाए पैसे इन्वेस्ट करें उन्होंने भी क्या है 1,20,000 रुपये खर्चा रहा मेरे भाइयों के साथ का ग्रुप मिला के भाई का पासपोर्ट उसके पास ही रखे हुआ है और भाई के पास का भी पासपोर्ट उसके पास ही रखा है 4-5 जने साथ के हम लोग यहाँ रेंटैक कंपनी जो है रेंटैक ट्रैवल हम लोग वहाँ पे आए थे सब जने सियासत में देख कर आए थे जो ऐड डाले थे फ्री का है बोल के जो जो मजबूर हैं जो पैसे नहीं कर सकते एडजस्ट वो लोग आए थे सब जने तकरीबन लोग यानी 300 लोग कुछ थे 300 या 300 के ऊपर थे मेम्बर सब क्लाइंट जो भी आ रहे थे उनसे बराबर पैसे दे रहे थे मेडिकल कहाँ कहाँ जाने के आज से आए थे आप लोग 6 कंट्री बताए 5 से 6 कंट्री बताए सिंगापुर मलेशिया दुबई कुवैत और अपना अफ्रीका 5-6 कंट्री बताए थे हर एक के लिए अलग अलग पैसे बताए थे लोग और जो भी क्लाइंट आ रहा जो कंट्री के लिए जा रहा उनको वही पैसे बता रहे थे मेडिकल होने के बाद में फटाफट मेडिकल करा के जब भी उन्होंने दूसरे दिन पैसे मंगा रहे थे सबसे इंडोर्समेंट के कराना है इमिग्रेशन के कराना है बगैर टेंथ सर्टिफिकेट के भी इमिग्रेशन हो रहा है ऐसा बोल के हम मेडिकल देकर मेडिकल जैसे एलबिट हॉस्पिटल में करा रहे थे रोड नंबर 12 पे रत्नादीप मॉल के अपोजिट में हो अच्छा, तो हम लोग जो वहाँ पे SI को कंप्लेन कर रहे थे आकर आज मॉर्निंग में कल सैटरडे के दिन लास्ट क्लाइंट वही था उनसे मिलने वाला उनसे मिलने के बाद उन्होंने बोले मंडे के दिन आओ मैं 2 पासपोर्ट सबमिट किया था उनके पास इमिग्रेशन अभी कितने लोग के पासपोर्ट मिले और कितने उनके नहीं मिले 2 पासपोर्ट ऐसे मिले पासपोर्ट किसी के नहीं मिले अभी तक पासपोर्ट मिलना है तो इसीलिए हम लोग मॉर्निंग से कॉल कर रहे थे फोन स्विच ऑफ आ रहा है एक दूसरे को लिंक था बोल के सारे लोग जमा हुए थे ये लोग कहाँ के रहने वाले कुछ आइडिया है आपको ये लोग बोले कि कोई दिल्ली बोले कोई मुंबई बोले अलाहाबाद बोल रहे हैं एक एक जनों को एक एक बोल रहे हैं और हम लोग पूछे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है आपका ऑफिस का तो हम लोग ये बताए कि मुंबई में है सेंटा क्लॉज के पास में हमारा ऑफिस है लेकिन नाम दूसरा है हम लोग पूछे कि नेट पे ही मार के चेक कर रहे हैं लेकिन वो नहीं बता रहा अच्छा एक सवाल आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर आप मेडिकल कराने जाते थे वहाँ पर पेमेंट किसको करते थे राहुल देता था पेमेंट ऑफिस में ले रहे थे इनका जो एजेंट था साथ वाला उन्होंने हॉस्पिटल में रह रहे थे हम लोग स्लिप लेके जाके दे रहे थे या साथ में चल रहे थे कभी कौन चल रहे थे साथ में राहुल राहुल
राहुल अभी तीन आदमी लोग भागे हुए तीन क्लाइंट है जो प्रेजेंट इधर थे वो लड़का साथ लेके जाता था पूरे हर एक बात मैं अच्छा भी लेके गया था हो गए तो नहीं अभी ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत है मेरा दोस्त का एक पासपोर्ट दिलावा है अभी उसका दो तीन दिन में पासपोर्ट आएगा तो उसके लिए क्या रहेंगे रिक्वायरमेंट में तो उन्होंने बोले कि 5,000 रुपये फीस दे दो मेडिकल की मैं उसका उनका वीज़ा रुका के रखता हूँ ये कैसी बात हुई वीज़ा का रोक के रखते हैं आप क्या वीज़ा आपके पास आए हुए क्या पूछा मैं रेडी है आपके पास वीज़ा बोल के पूछा मैं नहीं वैसा नहीं मैं वहाँ से फाइल भेज के हमारे क्या करता हूँ उनके नाम से रुक देता हूँ वीज़ा उनके मतलब जब तक पासपोर्ट का नंबर नहीं रहेगा तो वीज़ा कहाँ से लगेंगे उसके अंदर तो वो बता वो लोग के चार नाम है और दूसरा ये जो राहुल है तीसरा संजय है और एक एक जो है जो यहाँ पे नेरे हैदराबाद में नहीं था वो था उसका नाम था रेहान नाम था और एक सोहेल और एक सोहेल भी है तो हम लोग देख कर न्यूज पेपर में जो नंबर था सियासत वाले भी जो लिए उनसे भी हम लोग मालूम करना चाह रहे लिए थे आप लोग क्या प्रूफ से लिए थे बोल के हम पूछना चाह रहे और दूसरा ये है कि हम लोग जब मॉर्निंग से लोगों को फ़ोन कर रहे फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे एक दूसरे के लिंक लेने से हम लोग सारे लोग आए अभी तकरीबन लोगों को मालूम नहीं है कि वो लोग आए नहीं शायद कल तक मालूम होगा और हम लोग एस आई साहब को कंप्लेंट किए थे तो उन्होंने आकर चेक करे जब कर जब उन लोगों से हम लोग बहुत खुश है कि हम लोग के काम के लिए आगे बढ़ रहे तवज्जो दे रहे हमारे लिए और भी हमारी एक उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारी वो करेंगे हमारा हल निकालेंगे।